Guys, it's my small vlog. It's last year vlog. मुझे नहीं पता how is my vlog. मुझे कोई idea नहीं है. I have no idea. So मैं ये first time डाल रही हूँ. इस ताजमहल जहाँ मैं last year गई थी 2023. हमने ताजमहल की सैर की थी. ताजमहल को अंदर से भी देखा था. ताजमहल में इतना कुछ था नहीं. सो मैं आपको दिखा रही हूँ उनका अंदर का व्यू पूरा का पूरा. उसमें ज़्यादा मोबाइल नहीं ले जा सकते थे. आई मीन मोबाइल ले जा सकते थे बट अलाउड नहीं था पिक्स लेना. एंड वहाँ पे खूब लोग थे जो अपने सेल्फीज वीडियो सब में पागल थे. वहाँ का नेचर भी बहुत अच्छा था. मैंने भी दो तीन सेल्फीज ली थी, थोड़े से वीडियोज लिए थे. बट मैं ज़्यादा शो ऑफ नहीं करती हूँ अपने फेस को. और बहुत सारे चिप्स जलेबीज खूब चीज़ें खाई थी. बस में ट्रैवल किया था हमने ताजमहल फतेहपुर सीकरी जाने के लिए. फिर हमने फतेहपुर सीकरी भी देखा था. मैं अपनी छोटी सी फैमिली के साथ गई थी और मैं बहुत खुश रहती हूँ तो मैं फैमिली के साथ जाती हूँ. तो हमने वहाँ फतेहपुर सीकरी में बहुत सी चीज़ें देखने को मिली थी और हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज भी मिली थी. हमें गाइड करने वालों ने गाइड किया था. खूब सारी चीज़ों ने इन्होंने बताया था कैसे राजा महाराजा किंग विंग ने कितनी शादियाँ की थी सबने. एंड वहाँ पे सब कुछ सेम लग रहा था. कोई इतना डिफरेंट नहीं था क्योंकि गाइड करने वाले गाइड कर रहे थे तभी हमें समझ आ रहा था. वरने हमें तो ये सब ऐसे लग रहा था जैसे टूटी फूटी कोई चीज़ें पड़ी हो. और फिर हम लोग गए थे फतेहपुर. वे फतेहपुर है यहाँ पे बहुत सारे जैसे मॉन्यूमेंट्स के कब्रे बनी हुई रहती है. वहाँ पे यार किंग विंग के क्वीन किंग सब की कब्रे जो बोलते हैं ना जयपुर में एक्चुअली मुस्लिम्स पेपर में वो बना हुआ था. यहाँ पे खूब सारे लोग यहाँ बैठे थे. यहाँ हमने दरगाह के भी दर्शन किए थे. दर्शन मारे दरगाह को भी देखा था. हमने बहुत सारे यहाँ फ़ोटोज़ भी ली थी, शॉपिंग भी की थी. मैंने एक ताजमहल का की चैन भी लिया था, उसका एक लॉकेट भी लिया था. और यहाँ पे हमने ट्रैवल किया था तो एक टर्नल आ रखा था जिसके अंदर से मैंने पूरी और वीडियो बनाई थी. सो बाय बाय, टेक केयर.